फोटोग्राफी रोहित शर्मा को पांड्या से बेहतर कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों हार्दिक पांड्या को अब अगर मुंबई में किसी ने बुक कर दिया तो उस पर इतने रुपए का जुर्माना लगेगा कि सुनकर रकम आपके भी होश उड़ने वाले हैं। आखिरकार अंबानी ने कैसे पांड्या की साइड लेते हुए अब उन पर बुक करने वालों के खिलाफ एक्शन ले डाला है और क्या कुछ अपने बयान में भी कहा है। क्या हो रहा है दोस्तों पांड्या के साथ मुंबई में होने वाले मैच से पहले, आपको दोस्तों इस पूरे बयान का वीडियो दिखाएंगे और जुर्माने के बारे में भी सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या को बू करने वालों पर जुर्माना वाकई में लगना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में मैच कोई भी चल रहा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर जगह चारों तरफ बातचीत केवल एक खिलाड़ी की है, हार्दिक पांड्या की। अब वो भले उनकी कप्तानी को लेकर है या फिर खराब एग्जीक्यूशन को लेकर, पांड्या सुर्खियों का केंद्र है इस वक्त पर, और वो इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा की जगह वो तो वो ले ही चुके हैं। लेकिन इस बार जो कप्तान के तौर पर उनकी धुनाई हुई है ना, वो आज तक आईपीएल के इतिहास में किसी की भी नहीं हुई। और मुंबई की टीम के खिलाफ ऐसा स्कोर बनाने की जरूरत तो कोई कर भी नहीं सकता था। दोस्तों पहला मुकाबला तो वो अपना हारे ही गुजरात से पांड्या की गलती के चलते, लेकिन दूसरे मैच में एसआरएच ने इतने ज्यादा रन बना दिए कि उनका पीछा करने के बारे में सोचने वाली मुंबई इंडियंस की टीम उस सोच में ही हार गई थी। पीछा करना बहुत दूर की बात थी। खैर छोड़िए, हार्दिक पांड्या के बू की कहानी दोनों मैचेस में बहुत कॉमन रही। फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया, लताड़ा भी, और रोहित के 1% बराबर भी नहीं समझा। इनफैक्ट उनको इतनी गालियां पड़ी सोशल मीडिया पर कि अब एक ऐसा कदम उठाया गया है कि सुनकर उसके बारे में आपको कानों पर विश्वास नहीं होगा। पहली बार क्रिकेट में ऐसा हो रहा है कि किसी भारतीय खिलाड़ी को ट्रोल किया जा रहा है और अब हार्दिक पांड्या को बू किया गया तो एक जुर्माना वसूली होगी। देखिए दोस्तों, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन वानखेड़े के मैदान को मैनेज करती है और आसपास के बाकी मैदानों को भी जहां पर मैचेस होते हैं, और अगला मुकाबला मुंबई का 1 तारीख को होना है वानखेड़े के मैदान में। और जाहिर सी बात है कि गुजरात और साथ ही साथ हैदराबाद में इतनी घमासान ट्रोलिंग हुई है तो मुंबई में तो फैंस चीरफाड़ कर ही देंगे। लेकिन दोस्तों मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने फरमान जारी किया है अंबानी के कहने पर कि पांड्या को अगर कुछ भी कहा तो स्टेडियम से बाहर निकालेंगे। और टिकट का प्राइस 1800 से 2-3 हजार से लेकर ये दोस्तों 5000, 25000, 50000 लाख रुपए तक जाता है। अगर आपको बाहर किया गया तो सारा जुर्माना वैसे वसूला जाएगा। खुद अंबानी ने बयान देकर खुद इस बात की पुष्टि कर डाली है। दोस्तों आपको बता दें कि नीता अंबानी ने कहा था है कि कुछ चीजें हद से ज्यादा ऊपर हो रही हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए अगर क्रिकेट बोर्ड कुछ एक्शन ले भी रहे हैं तो ये उनकी सलामंदी का नतीजा है, उनके अपने फैसले हैं। अच्छा ही होगा कि फैंस ज्यादा किसी को ट्रोल ना करके केवल खेल पर ध्यान दें, उसे एंजॉय करें, ना कि किसी जिंदगी बर्बाद करें, वरना फिर एक्शन तो लिया ही जाएगा। दोस्तों लेवल इतना बढ़ गया ट्रोलिंग का कि अंबानी को भी बीच में आना पड़ा है, वरना क्रिकेट एसोसिएशन को क्या जरूरत पड़ रही है मैदान में खिलाड़ी के लिए नियम बनाने की। वैसे आप सभी को क्या लगता है, इस नियम के बाद भी क्या आप पांड्या को ट्रोल करेंगे, हाँ या ना? आपका जवाब नीचे कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गुजरात के खिलाफ मुंबई की हार के बाद भड़क उठे सूर्य कुमार यादव, मुंबई के खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए दे दिया दिल दहला देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, मुंबई और गुजरात के बीच खेले गए रोमांचक मैच में गुजरात की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद मुंबई की टीम के महान खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव का बयान सामने आया है। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने मुंबई के तमाम खिलाड़ियों को धमकाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई और एक ऐसा भड़काऊ बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार सूर्य कुमार यादव ने गुजरात के खिलाफ मुंबई की हार के बाद क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको बताया, आईपीएल 2024 के 5वें मैच में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 6 रन से हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। आपको बता दें इस मैच में पहली पारी में टॉस हारकर शुभमन गिल के नेतृत्व में गुजरात की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए, तो वहीं अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इसका पीछा कर मुंबई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 162 रन ही बना सकी और मैच को 6 रन से हार गई, जिसके बाद गुजरात की टीम शुभमन गिल की कप्तानी में पहले मैच के अंदर मुंबई के खिलाफ शानदार जीत दर्ज कर पाई है। जिसके बाद अब सूर्य कुमार यादव निराश हो गए और उन्होंने मुंबई की टीम को फटकार लगाते हुए बयान जारी कर दिया है, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम को गुजरात के खिलाफ इस मैच में जीत नहीं मिली है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि इस मैच में मुंबई की टीम को आसानी से जीत मिल जाएगी, क्योंकि गुजरात की टीम के मुकाबले हमारी मुंबई की टीम के खिलाड़ी
काफी ज्यादा बेहतर है और मुंबई की टीम काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मुंबई की टीम की तरफ से अब गुजरात के पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या भी आ चुके हैं। ऐसे में अब गुजरात की टीम को पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है, लेकिन गुजरात की टीम ने हमारी कमर तोड़ने का कार्य इस मैच में किया है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान रह गया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि आज हमारी मुंबई की टीम को गुजरात की टीम से हार का सामना करना पड़ गया। हालांकि गुजरात की टीम काफी ज्यादा कमजोर तो नहीं है, लेकिन हमारी मुंबई की टीम के स्टार खिलाड़ियों के सामने गुजरात की टीम कुछ भी नहीं दिख रही है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि हमारी मुंबई की टीम के पास काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है, जो किसी और टीम के पास में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा है, तो हमारी टीम में ही काफी बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मैच के अंदर हमारी टीम की तरफ से कुछ खिलाड़ियों के अलावा सभी का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और ब्रेविस के अलावा कोई भी बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो वहीं गेंदबाजी में हमारी टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी बेहतरीन गेंदबाजी नहीं कर पाया। ऐसे में अब हमारी टीम किस प्रकार से किसी टीम के खिलाफ जीत दर्ज कर सकती है। हालांकि इस मैच में हमारी टीम की जीत बिल्कुल करी थी, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या की खराब रणनीति और इस मैच में काफी चतुर बल्लेबाजी के चलते मुंबई की टीम को गुजरात के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मुंबई की टीम की इस मैच में हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात के खिलाफ हार के बाद जसप्रीत बुमराह ने रोहित शर्मा को दिया अपना अवार्ड। वजह बताते हुए कर दिया सनसनी मचा देने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, मुंबई और गुजरात के बीच खेले गए इस मैच में गुजरात की टीम को जीत मिली है मुंबई, जिसके बाद अपनी जसप्रीत बुमराह को शानदार अवार्ड मिला। लेकिन इस बीच रोहित शर्मा को अवार्ड समर्पित करने के साथ जसप्रीत बुमराह ने एक बयान जारी किया है। इस बीच अब उन्होंने इसका खुलासा करते हुए रोहित शर्मा को अवार्ड देने से पीछे की असली वजह बताते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया, जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने रोहित शर्मा को अवार्ड देने के बाद क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह में किसका प्रदर्शन इस मैच में मुंबई के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 का पांचवा मैच मुंबई और गुजरात के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई की टीम को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के अंदर मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए गुजरात की टीम को 168 रन 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में रोक दिया, और इसका पीछा करने उतरी मुंबई की टीम गुजरात के सामने 162 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना पाई और इस मैच को 6 रन से हार गई, जहां पर मुंबई की टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए और ड्रीम 11 गेम चेंजर का अवार्ड अपने नाम किया, जिसके बाद इस अवार्ड को हासिल करने के तुरंत बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को अवार्ड जसप्रीत बुमराह ने दे दिया और इसका खुलासा करते हुए सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में गुजरात की टीम की तरफ से खेलते हुए सभी खिलाड़ियों को मुंबई की टीम के खिलाफ खराब प्रदर्शन करते हुए देखा है। हालांकि हमारी मुंबई की टीम इस मैच को नहीं जीत पाई है, लेकिन हमारी टीम की तरफ से जिस प्रकार से खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर मैच को रोमांचक बनाया और मैच में जीत के करीब पहुंचने का कार्य किया, साथ में गुजरात की टीम को हराने की पूरी कोशिश की, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। लेकिन हमारी टीम को जीत नहीं मिली है, इसके साथ में निराश भी हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि ये पहले मैच ही था और पहले मैच में हमारी टीम के खिलाड़ियों ने बता दिया कि कैसे भी टूर्नामेंट के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि इस मैच में मुझे ड्रीम 11 गेम चेंजर का अवार्ड दिया गया, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन मुझे पता है कि आज के बेहतर प्रदर्शन के बाद मुझे कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मुझे पता लग गया था कि मुझे आज कोई ना कोई अवार्ड मिलेगा और उस वजह से मैंने एक बड़ी रणनीति भी तैयार कर ली। इस दौरान मैंने पहले ही मन बना लिया था कि आज मैं अपने बेहतर प्रदर्शन के बाद मिलने वाले अवार्ड को किसी और खिलाड़ी को समर्पित करूंगा, और सौभाग्य की बात यह है कि मेरे बेहतर प्रदर्शन करने के बाद मैंने जो अपना अवार्ड समर्पित करने का मन बनाया था वो और भी ज्यादा खास हो गया, क्योंकि मुझसे बेहतर प्रदर्शन हमारी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिया था, जो कि मुंबई की टीम के पूर्व कप्तान है। ऐसे में मुंबई की टीम के लिए उनकी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ और मैंने अपने अवार्ड को रोहित शर्मा को देने का फैसला किया, क्योंकि अगर आज मुंबई और भारतीय टीम के लिए मैं इतना बड़ा खिलाड़ी बन पाया हूं तो इसके पीछे रोहित शर्मा का हाथ है। ऐसे में अपने कप्तान का सम्मान कर मैंने अपना अवार्ड उन्हें दे दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बुमराह और रोहित शर्मा मुंबई की टीम को इस बार प्लेऑफ में पहुंचा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।